हमने अल्लाह के जिन बंदों के दिल दुखाए हैं दुनिया में उनसे माफी मांग लेना आसान है, वरना कल क़यामत के दिन अगर पुल से रात पे हमें खड़ा कर लिया गया तो हमारा क्या बनेगा। इसीलिए कुरान मजीद में है कि कुछ लोग होंगे अल्लाह ताला के सामने से जब जाएंगे ना, आपने दुनिया में देखे ना एयरपोर्ट पे स्कैनिंग मशीन होती है, एक एक करके जाते हैं तो जिसके पास कोई मेटालिक चीज होती है तो बीप आ जाती है तो वो फिर उसकी तफ्तीश करते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं होता वो सीधा गुजर जाता है। क़यामत के दिन इसी तरह होगा, एक एक बंदा ये तुमूना फुरादा कमा खलकना तुम अव्वल मर्रा, अल्लाह फरमाते हैं एक एक करके तुम मेरे सामने से जाओगे, वो स्कैन हो रहे होंगे सारे बंदे, और जिन्होंने दूसरों के दिल दुखाए होंगे और दूसरों के लिए वबाले जान बन के रहे होंगे और अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा होगा, जब वो गुजरने लगेंगे तो उस वक्त क्या होगा, फिर बीप आएगी, फिर पता चल जाएगा। तो जैसे दुनिया में कहते हैं ना, अच्छा भाई जरा आप एक तरफ आए, आपकी हमने फिजिकल तलाशी लेनी है, वकीफूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको रोक लीजिए, हमने इनका ट्रायल लेना है, हमने इनसे तफ्तीश करनी है, पूछगुछ करनी है, ये ऊपर से मियां तस्बी थे अंदर से मियां कस्बी थे, ऊपर से इन्होंने चेहरे बना लिए थे नेकों वाले, घर बीवी का दिल दुखाते थे, माँ को सताते थे, वालिद को दुख देते थे, भाई को दुख देते थे, ये अल्लाह के बंदों के लिए वबाले जान बने हुए थे, वकीफूहुम रोक लीजिए इनको, इन्नहुम मसऊलून, हमने इनका ट्रायल लेना है, ये छुपे गुनाह करते थे, लोगों के सामने हाजी बनते थे, पाजी बन के रहते थे, इनको रोक लो, हम इनकी तफ्तीश करेंगे, आज वक्त है हम अपनी इन तमाम गुनाहों की अल्लाह से सच्ची माफी मांग ले। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा किसी जिम्मी का दिल दुखाए, मातहत का दिल दुखाए, अना हजीज हम यौमुल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन उन मातहतों का वकील बन के खड़ा हूंगा, और जब तक उनको हक नहीं दिलाऊंगा मैं उस बंदे को वहां से हिलने नहीं दूंगा। अब अगर क़यामत के दिन बीवी के वकील अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन के खड़े हो गए, तू जो रुलाता था तो किस लिए, जिनकी शफाअत चाहते हैं, जिनकी शफाअत की उम्मीद पे जिंदगी गुजारते फिर रहे हैं, आज वक्त है हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ मांगे कि परवरदिगार आलम हमें नहीं समझती, जानवर बनते रहे, कभी इस पे गुस्सा किया, कभी इसका दिल दुखाया, कभी उसका दिल जलाया, मालिक आज इस बात का एहसास हुआ कि आखिर क़यामत के दिन इसका हमने जवाब तो देना ही है, अल्लाह हम उन बंदों से भी दुनिया में माफी मांगेंगे मगर आपसे भी माफी मांगते हैं, आप हमें अल्लाह माफ फरमा दीजिए और आइंदा हमें हिसास दिल अता कर दीजिए ताकि हम किसी को भी तकलीफ ना पहुंचाएं, अल्लाह ताला हमें सही मानों में मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।